बच्चों, पिछले टर्न पर मैंने आप लोगों को पोलाराइज्ड चैप्टर स्टार्ट कराया था। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि डिस्पर्स फेज किसे कहते हैं, डिस्पर्जन मीडियम कैसे किसे कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज मैंने सॉल्यूशंस को डिवाइड किया था। तीन प्रकार के सॉल्यूशंस थे, उसमें था ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। इस क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज किस प्रकार से हम इनको कैटेगराइज करते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने उसमें स्टडी की थी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी थी जैसे किंडल इफेक्ट, काइनेटिक प्रॉपर्टी थी ब्राउनियन मूवमेंट, फिल्टरेबिलिटी थी कि फिल्टर होते हैं सॉल्यूशन की नहीं, विजिबिलिटी देखी थी कि कैसे दिखते हैं, अपीयरेंस उनकी कैसी है, उनका नेचर कैसा है, उनका पार्टिकल साइज कैसा है। तो बच्चों, आज उसी चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने दूसरा क्लासिफिकेशन लिया है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। अगर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम चेंज होते हैं तब उनका नाम क्या होगा और उसको कैसे क्लासिफाई हम लोग करेंगे। तो बच्चों, पहले तो हम लोग ये देख लें, हम लोगों ने कोलाइडल स्टेट को पढ़ा था कि कोलाइडल स्टेट उसे बोलते हैं, कोलाइडल की जो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी वो ये थी, कोलाइडल स्टेट जहां पर पार्टिकल साइज हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था कि 10^9 मीटर या 10 आर्मस्ट्रांग होगी, या पार्टिकल साइज जो है 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच लाई करेगा। जहां पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक लाई करेगा, या फिर अगर आर्मस्ट्रांग में ले हम लोग तो 10^-7 मीटर या 1000 आर्मस्ट्रांग, ठीक, ये साइज पार्टिकल का होगा। ठीक, ये थे डिस्पर्स फेज के पार्टिकल जो कि कोलाइडल रेंज के साइज के पार्टिकल हैं। जब ये डिस्पर्जन मीडियम में पाए जाते हैं तो ये कोलाइडल सिस्टम बनाते हैं। तो बेसिकली देखिए, जो कोलाइडल साइज पार्ट कोलाइडल सिस्टम है आपका, दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। दो चीजों से किससे मिलकर बना हुआ है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम जैसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते थे, सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होता है जिसको घोला जाता है और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें घोला जाता है। फॉर एग्जांपल, सॉल्यूशन के लिए सिंपल एग्जांपल हम लोग लेते हैं शुगर एंड वाटर। तो शुगर एंड वाटर जब हम लोग लेते हैं, जिसको घोल रहे हैं उसको सॉल्यूट बोलते हैं, जिसमें घोला जाता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। सिमिलरली यहाँ पर भी है, डिस्पर्स फेज वो है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं किसके ऊपर, डिस्पर्जन मीडियम के ऊपर। क्वांटिटी में जो ज्यादा होगा वो डिस्पर्जन मीडियम है, क्वांटिटी में जो कम है वो डिस्पर्स फेज होता है नॉर्मली इन जनरल कंडीशन। और डिस्पर्स फेज क्या है, मे बी डिफाइंड एज द फेज कॉन्स्टिट्यूटिंग द कोलाइडल पार्टिकल, द फेज कॉन्स्टिट्यूटिंग द कोलाइडल पार्टिकल। वो फेज जो कोलाइडल पार्टिकल को कॉन्स्टिट्यूट करता है उसको बोलते हैं डिस्पर्स फेज, और डिस्पर्जन मीडियम उसे बोलते हैं जिसमें ये डिसॉल्व रहता है, जिसमें ये द मीडियम इन विच द मीडियम इन विच डिस्पर्स फेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड। Phase are distributed. Clear? अब इसका अगर हम एग्जाम्पल ले लें बच्चों, बहुत अच्छा, फेरिक हाइड्रोक्साइड इन वॉटर। तो यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि फेरिक हाइड्रोक्साइड इन वाटर है
तो ये बना है, सॉरी वॉटर यहाँ लिख दू, वॉटर, तो ये आपका बना रहा है डिस्पर्जन मीडियम। वॉटर क्या है? डिस्पर्जन मीडियम। और फेरिक हाइड्रोक्साइड आपका बना रहा है डिस्पर्स फेस। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड इन वॉटर मतलब डिस्पर्स फेस इन डिस्पर्जन मीडियम। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम से मिलकर ही हमारा डिस्पर्जन सिस्टम बनता है, और डिस्पर्जन सिस्टम को ही हम कोलाइडल सोल बोलते हैं। तो आज बच्चों इसका डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन देखते हैं। इससे पहले जो क्लासिफिकेशन देखा था ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज देखा था हम लोगों ने, और अब जो क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम देखेंगे, ये दूसरा क्लासिफिकेशन है। अभी इसमें एक दो क्लासिफिकेशन और आएंगे। तो इस क्लासिफिकेशन की स्टडी करें बच्चों अगर हम लोग, तो यहाँ पर देखें एग्जाम्पल के तौर पे हमको सबसे पहला दिया गया है जब डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही सॉलिड हो, तो इसका नाम क्या देते हैं हम लोग? सॉलिड सो। इसका नाम क्या देते हैं हम लोग? सॉलिड सो। और इसके एग्जाम्पल में बच्चों जितने भी प्रीसियस स्टोन हमारे आते हैं, ये आप रूबी हो गया या जितने भी स्टोन आपके ये पन्ना हो गया, हीरा हो गया, जितने भी स्टोन है आपके, ये सारे एग्जाम्पल आते हैं आपके सॉलिड, जहां डिस्पर्स फेस होगा और डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड होगा। इसका नाम क्या होता है? सॉलिड सो। ग्लासेस हो गए आपके, रूबी ग्लास हो गए, पिगमेंटेड प्लास्टिक हो गई ग्लास, कलर्ड ग्लास, पिगमेंटेड प्लास्टिक, पिगमेंटेड प्लास्टिक, ये एग्जाम्पल हैं आपके किसके? सॉलिड सोल के। ये एग्जाम्पल किसके हैं? सॉलिड सोल के, जिसमें डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही आपके सॉलिड है। दूसरा आता है सॉलिड जब डिस्पर्स फेस हो और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो, इसको क्या बोलेंगे? सॉल। इसका कॉमन नेम क्या होता है? सॉल। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं बच्चों, इसके एग्जाम्पल इतने ज्यादा हैं, जैसे सेल फ्यूल हो गया, गोल्ड सोल हो गया, गोल्ड सोल, सेल के अंदर जो फ्यूल भरा रहता है वो भी लिक्विड के अंदर सॉलिड, मतलब डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड होता है और डिस्पर्स फेज आपका सॉलिड होता है, या स्टार्च इन वॉटर हो गया, मडी वॉटर हो गया, कीचड़ वाला पानी। प्लांट्स में क्या होता है? स्टार्च इन वॉटर। ये सारे एग्जाम्पल आपके आते हैं सॉलिड, जहां पर डिस्पर्स फेस होगा, डिस्पर्जन मीडिया आपका लिक्विड होगा, उसका कॉमन नेम क्या होता है? सोल। अब आते हैं थर्ड में, डिस्पर्स फेस। आप ये देख रहे हैं कि इन तीनों का डिस्पर्स फेस सॉलिड है लेकिन डिस्पर्जन मीडियम चेंज होता जा रहा है। यहाँ पे डिस्पर्स फेस फिर सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम गैस है। इसका नाम होगा एरोसोल ऑफ सॉलिड, क्योंकि एरोसोल दो तरह के हैं, एरोसोल ऑफ लिक्विड एंड एरोसोल ऑफ सॉलिड। जब सॉलिड और गैस का बनेगा तो उसको बोलेंगे एरोसोल ऑफ सॉलिड। इसके एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल है स्मोक एंड डस्ट, स्मोक एंड डस्ट, ये इसके कॉमन एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट आते हैं, जबकि हमारी डिस्पर्स फेज लिक्विड हो गई है और डिस्पर्जन मीडियम चेंज हो गए। अब हमारे डिस्पर्स फेज ये देखिए, ये लिक्विड है, लिक्विड में जब सॉलिड होता है तब इसको बोलते हैं जेल। ये हम लोग को डिटेल में बच्चों पढ़ना है, ये जेल और इमल्सन ये दोनों हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, टॉपिक में। तो ये जेल जो आप पढ़ रहे हैं इसके एग्जाम्पल है चीज, बटर, चीज बटर मतलब मक्खन, चीज जो आप लोग खाते हैं, पनीर जो होता है, बूट पॉलिश होती है, सारे ही डेली यूज के एग्जाम्पल हैं आपके। और जेली होती है, जो बच्चे जेली खाते हैं, जैम होता है, ये सारे एग्जाम्पल आपके किसके हैं? ये हैं आपके लिक्विड में, जब लिक्विड हो आपका डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड हो तो जेल बनाता है, ये सारे एग्जाम्पल इसी के आते हैं। जेलीज, जेलीज, क्लियर हुआ? अब आते हैं हम लोग लिक्विड में, लिक्विड ये बनाता है इमल्सन,
बहुत इम्पोर्टेंट है, मिल्क आपका हो गया, क्रीम हो गई, क्रीम कोई भी हो, जाड़े में गर्मी में जो भी क्रीम लगाते हैं, कोल्ड क्रीम, वैनिशिंग क्रीम, ये सारी क्रीम इसी के अंतर्गत आएंगी। आइसक्रीम हो गई, सारी मेडिसिंस, लगभग सारी मेडिसिंस भी इसी के अंतर्गत आती हैं, इमल्सन्स के अंतर्गत ही आती हैं। आपकी पेंट जो होता है, इमल्सिफाइड ऑयल होता है, हेयर ऑयल हो गया, कोई भी ऑयल हो या हेयर ऑयल, हेयर ऑयल को और एग्जाम्पल ले लीजिए। ये सारे एग्जाम्पल आपके इमल्सन्स में आते हैं। इमल्सन और जेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिटेल में है आपके उसमें टॉपिक के रूप में। फिर आता है बच्चों लिक्विड में गैस। लिक्विड में गैस जो है आपका, इसको बोलते हैं एरोसोल ऑफ लिक्विड। इसके एग्जाम्पल है फॉग, मिस्ट, क्लाउड। क्योंकि आपका पेपर जो है ऑब्जेक्टिव है, तो एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन देके। फॉग, मिस्ट और क्लाउड मतलब कोहरा जो पड़ता है वो, और जो बादल है आपके, सारे एग्जाम्पल किसके हैं, लिक्विड जहां पर आपका होगा डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम आपका गैस होगा, तब फॉग, मिस्ट और क्लाउड बनते हैं और ये इसके एग्जाम्पल हैं। फिर गैस में सॉलिड, अब आपका ये चेंज हो गया डिस्पर्स फेस गैस में सॉलिड, इसको सॉलिड फोम बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल प्यूमिक स्टोन है, फोम है, रबर है, छावा पत्थर जिसको बोलते हैं, प्यूमिक स्टोन है, फोम एंड रबर। एग्जाम्पल आपको इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर में ये पूछे जा सकते हैं। गैस में लिक्विड, इसको फ्रोथ या फोम बोलते हैं और इसके एग्जाम्पल है सोप, लेदर है, शेविंग क्रीम है, शेविंग क्रीम, और जो वो ऑफ सोप, सोप में जो झाग निकलता है ना वो भी इसके एग्जाम्पल है। सोप में जो झाग निकलता है वो एग्जाम्पल है, शेविंग क्रीम है, फोम है, व्हिप्ड क्रीम जो यूज की जाती है आइसक्रीम बनाना, केक वगैरह बनाने में यूज करते हैं व्हिप क्रीम का, आपको फिटी हुई जो क्रीम होती है वो भी लिक्विड में, गैस में लिक्विड का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो बच्चों ये हो गए आपके क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो अभी तक हम लोगों ने दो प्रकार के क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है इनके कॉमन नेम और एग्जाम्पल, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, एग्जाम्पल देके आपसे पूछ सकता है कि ये किस कैटेगरी में आता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखिए, नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं एक कोलाइड के अंतर्गत ही एक नए टॉपिक के साथ। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। हैव ए नाइस डे।